हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं दोस्तों, आप अपने पीएफ अकाउंट में जानना चाहते हैं कि हमारे पीएफ अकाउंट में नॉमिनी को कैसे ऐड किया गया, उसका डिटेल क्या है, क्या उसका बैंक अकाउंट लिंक है, आधार कार्ड नंबर जो है वो लिंक है या नहीं हमारे पीएफ अकाउंट से, तो किस प्रकार सब चेक करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सबसे एक निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल घंटी भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप अपने पीएफ अकाउंट का नॉमिनी डिटेल चेक करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपना पीएफ अकाउंट को लॉगिन करना होगा। उसके लिए आपके फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी आपके पास है, उसमें कोई भी ब्राउजर हो उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है ईपीएफओ। जैसे आप टाइप करेंगे और सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद पहले वेबसाइट आपके पास देख सकते हैं आ गया है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है यहाँ पे पीएफ अकाउंट को ईपीएफओ का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एक नया इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो गया। नया इंटरफेस ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा होम पेज, होम के बगल में आपके पास नजर आता हो सर्विस, सर्विस के नीचे आपको सेकंड नंबर में चले जाना है फॉर एम्प्लॉयज। सिंपल सा फॉर एम्प्लॉयज पर जैसे क्लिक करेंगे एक नया पेज आ जाएगा। नया पेज आ जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको सर्विस वाला सेक्शन माना, ठीक है, देख सकते हैं ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे आपको सर्विस वाला सेक्शन माना। उसके बाद आपके पास नजर आता होगा मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस, ठीक है, आपको इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, एक नया पेज यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको यूएन कार्ड जो नंबर होता है पासवर्ड डाल करके अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अपना यूएन नंबर टाइप कीजिए। यूएन नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है और जो यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको कैप्चा यहाँ नजर आता होगा वो यहाँ पे फेच करके आपको यहाँ पे टाइप कर देना। अगर आपको कैप्चा ना समझ आए तो यहाँ रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, मैं इतना डिटेल फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपना यूएन नंबर टाइप कर दूँ, उसके बाद जो मेरा पासवर्ड वो फिल कर दूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ कैप्चा जो नजर आ रहा है सेम कैप्चा आपको नीचे फिल करना है। उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों साइन इन पर क्लिक करेंगे यहाँ नया पेज आ जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे नया पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको लेटर पर क्लिक करना है, ठीक है। लेटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी चेक करना है। तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका पूरा डिटेल खुलकर आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नॉमिनी चेक करना है। नॉमिनी चेक करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको थर्ड नंबर में ऑप्शन में आपको नजर आता होगा मैनेज, ठीक है, मैनेज के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद नीचे आ जाता है ई नॉमिनेशन, ठीक है, देख सकते हैं आपको नजर आ रहा है ई नॉमिनेशन, आपको ई नॉमिनेशन क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका स्टेटस सबसे पहले शो हो जाएगा कि आपका पीएफ अकाउंट में नॉमिनी स्टेटस क्या है। तो देख सकते हैं नॉमिनेशन सक्सेसफुली यहाँ पे नॉमिनी हमारा जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं नॉमिनी जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं डेट और टाइम यहाँ पे शो हो रहा है, कितना तारीख को और कितना बजे यहाँ पे मैंने नॉमिनी जुड़ा है वो यहाँ पे पूरा डिटेल शो हो रहा है। उसके बाद नॉमिनी का पूरा डिटेल चेक करना है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नॉमिनी डिटेल आपको चेक करना है। इसके लिए यहाँ देख सकते हैं आपको नॉमिनी डिटेल नजर आता होगा, उसी के नीचे आपको एक पीडीएफ फाइल जैसे आपको नजर आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे आइकन बना हुआ है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा तभी आप अपना नॉमिनी का डिटेल निकाल पाएंगे। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे एक नया पेज आ गया, नीचे देख सकते हैं आपको डाउनलोड वाला सेक्शन बना हुआ, ई नॉमिनेशन पीडीएफ फाइल, देख सकते हैं पीडीएफ फाइल में ये डाउनलोड होकर आ चुका है। चलिए मैं इसे ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से चेक करेंगे। इसके लिए देख सकते हैं इस फाइल पर मैं क्लिक करता हूँ, ओपन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ओपन पर मैं क्लिक करूंगा, देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ फाइल में ओपन हो गया। यहाँ पे जैसे दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ खुलकर आ चुका है। पीडीएफ खुल जाने के बाद यहाँ पर देखते हैं पूरा डिटेल ही शो हो जाता है, डिटेल शो हो जाता है। यहाँ पे पूरा मेरा डिटेल है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसे मैं थोड़ा ब्लर कर दूंगा। और आपको देखना है, चेक करना है नॉमिनी के बारे में, तो नॉमिनी चेक करने के लिए आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन कीजिए। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको नजर आता होगा पार्ट ए में ईपीएफ, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको नजर आता होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको नजर आता होगा नेम ऑफ नॉमिनी, देख सकते हैं नॉमिनी का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे नाम शो हो रहा है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको नजर आता हो बैंक अकाउंट नॉट अवेलेबल, ठीक है, इसमें बैंक अकाउंट नहीं जोड़ा गया, तो यहाँ सबको चेक कर लेना कि आपका बैंक अकाउंट जुड़ा है या नहीं। आधार देख सकते हैं, आधार लिंक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आधार का कुछ नंबर आपको डिजिट शो होता होगा, ठीक है। उसके बाद इसका एड्रेस चेक कर पाएंगे, इस नॉमिनी का एड्रेस क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ नाम वगैरह शो हो रहा है। रिलेशन क्या है, तो रिलेशन देख सकते हैं यहाँ पर वाइफ शो हो रहा है। उसके बाद देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ क्या, डेट ऑफ बर्थ यहाँ मैच कर सकते हैं। उसके बाद टोटल शेयर कितना दिए हैं आपने, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 100% दिया था, 100% आपको पास नजर आता होगा। आपने जितना दिया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये है दोस्तों पूरा, यहाँ पे पूरा डिटेल आपके पास शो हो जाएगा। और नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो और भी यहाँ पे डिटेल वगैरह शो हो जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ भी वही सेम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपके पास नजर आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने चेक कर पाएंगे आपके पीएफ अकाउंट में नॉमिनी किससे जोड़ा गया है, कितना आपने शेयर दिया है, क्या उसका बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं, क्या उसका आधार कार्ड नंबर लिंक है यानी क्या डिटेल है, कौन बनाया गया, किससे बनाया गया, पूरा डिटेल ही चेक कर पाएंगे, ठीक है, पूरा ब्यौरा यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट में किसी भी व्यक्ति का नॉमिनी आप चेक करना चाहते हैं, कौन है, किसे बनाया गया, कितना शेयर दिया गया, तो पूरा डिटेल ही निकाल पाएंगे, सेम प्रोसेस आपके पास होने वाला है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर रेड कलर सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, इस पर भी क्लिक कर दें और यहाँ पे बेल घंटी भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच
सके। हाँ दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी दोस्तों इसी प्रकार का हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। फिर से मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।